हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये मेगा प्रोजेक्ट बदल देंगे भारत की तस्वीर। पीएम मोदी मेगा प्रोजेक्ट सरकारी योजनाओं के देरी से पूरे होने के दाग को भी धोने का प्रयास करते हुए इन्हें समय से पहले ही पूरा करने की तैयारी है। कौन कौन से हैं मेगा प्रोजेक्ट, इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। नई दिल्ली नेशनल डेस्क, पीएम मोदी मेगा प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादे किया था कि देश में चल रहे विकास परियोजनाओं से आने वाले समय में भारत की तस्वीर बदल जाएगी। रविवार को जम्मू के पलली गांव में कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन कर उन्होंने इस झलक को दिखा दी है। वैसे ही कई मेगा प्रोजेक्ट हैं जिन्हें वर्ष 2025 से 2026 पूरे होने के वादे किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। बुलेट ट्रेन दो वाणिज्य केंद्रों अहमदाबाद से मुंबई के बीच जापानी तकनीकी से चलाई जाने वाली बुलेट ट्रेन परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। बुलेट ट्रेन के लिए पिलर का काम शुरू हो गया है। ट्रेन की रफ्तार औसतन 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो नियमित ट्रेन की तुलना में 10 गुना तेज होगी। 25,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम शुरू होना है। नई दिल्ली से वाराणसी की कुल दूरी 865 किलोमीटर है। इस रूट पर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। इससे नई दिल्ली से वाराणसी तक पहुंचने का समय काफी घट जाएगा। गगनयान, गगनयान अंतरिक्ष यान को 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोविड संक्रमण के कारण इस परियोजनाओं में देरी हुई। गगनयान इसरो द्वारा डिजाइन किया गया है। यह पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। इसे 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे, जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। यह मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। योजना के अनुसार चीजें होती हैं तो भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्ष में भेजा जाएगा। इसके अलावा आने वाले समय में चंद्रयान 3 और शुक्रयान मिशन पर काम चल रहे हैं। आसान होगी 4 धाम यात्रा, लाखों यात्री की प्रोजेक्ट पर नजर। मोदी सरकार के 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट पर लाखों नजर टिकी हुई है। प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के आसपास में जोड़ा जा रहा है। इसके लिए 889 किलोमीटर हाईवे बन रहा है। ऋषिकेश से धरासू होते हुए गंगोत्री, यमुनोत्री, रुद्रप्रयाग होते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाली इस हाईवे परियोजनाओं की लागत 12,000 करोड़ रुपए है। मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए 22 किलोमीटर लंबा पुल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। यह देश के सबसे लंबा लिंक सी लिंक ब्रिज है। इस पुल को मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक का नाम दिया गया है। इसका 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र में और 5.5 किलोमीटर जमीन पर होगा। 2200 पिलर खड़े किए जा रहे हैं। यह शिवाजी मेमोरियल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। यह परियोजना वर्ष 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। वाटर एयरपोर्ट को हरी झंडी, भारत में 10 वाटर एयरपोर्ट को हरी झंडी मिल गई है। अहमदाबाद से केवाड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच सी प्लेन सेवा शुरू होने के बाद सरदार सरोवर डैम, साबरमती रिवर फ्रंट, ओडिशा के चलका लेक, अंडमान निकोबार के लॉन्ग सौराज व शहीद आयरलैंड में वाटर एयरपोर्ट बन रहे हैं। ग्लेशियरों के बीच से सड़क, वर्ष 1985 में शुरू की गई परियोजना हिमांक के तहत सीमा सड़क संगठन BRO दुनिया की पहली सड़क बनाने के लिए काम कर रही है। यह सड़क 19,300 फीट ऊंचाई पर स्थित उमलिंगला आप से होकर गुजरती है। पूर्वी लद्दाख में समोसा से सासेर लाग तक बनने वाली इस सड़क का काम लगातार चल रहा है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे एक 1250 किलोमीटर लंबा निर्माणधानी राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह 5 राज्यों प्रम महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से होकर गुजरेगा। इसे दिल्ली से मुंबई के बीच का सफर 24 घंटे से घटकर सीधे 12 घंटे का हो जाएगा। 696 फीट ऊंचा शिवाजी स्मारक अरब सागर में करीब 15 एकड़ में टापू पर लगभग 696 फीट ऊंचा शिवाजी स्मारक बनाया जा रहा है। मुंबई के गिरगांव चौपाटी से सटे हुए समुद्र के करीब 1.5 किलोमीटर अंदर टापू पर 1900 करोड़ की लागत से बन रहे स्मारक को देखने के लिए एक समय में 10,000 लोग तक जा सकते हैं। एक हादसे के बाद इस स्मारक पर जाने के लिए टनल बनाने का विचार किया जा रहा है। 75 साल पूरे होने पर नया संसद भवन, नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। इसे संसद भवन के अलावे केंद्र मंत्रालयों के लिए सरकारी बिल्डिंग, उपराष्ट्रपति के लिए नए इनकलेव
पीएमओ आवास में कई निर्माण होंगे। 13,450 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस नए भवन की आजादी के 75 साल पूरे होने पर संसद भवन शस्त्र चलाने की उम्मीद जताई जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहन का उत्पादन। परिवहन उद्देश्यों के लिए ईंधन के उपयोग के बारे में बढ़ती चिंताओं के साथ इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग तलाशने के लिए एक बढ़िया विकल्प है। देश में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देने के साथ भारत इलेक्ट्रिक वाहनों का एक विशाल उत्पादक बनने की योजना बना रहा है। आने वाले समय में यह महत्वपूर्ण परियोजना होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।